एक गर्भ संस्कार की मतलब मैं वर्कशॉप ले रही हूँ जो कि बच्चों के लिए होती है बहुत ही ज़्यादा, तो भी लगभग 8-9 मिनट में शुरू हो जाएगी। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, इवन जब मैं मतलब मैंने कंसीव भी नहीं किया था और हम जब प्लानिंग कर रहे थे तब से मेरे पास बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें आती थी। फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी गर्भ संस्कार के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे इसके अंदर गर्भ संस्कार में 3 चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है जो आती हैं, योगा, खाना और म्यूज़िक। कि मतलब जो भी आप सुन रहे हो सब चीज़ें वो चीज़ होती हैं, बेसिकली होता है बच्चे के लिए कि आप अपने बच्चों को पेट से ही मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो, इंटेलिजेंट बना सकते हो। अब मुझे पता नहीं इतना कितना मतलब ये मतलब सक्सेसफुल हो पाता है, कितना नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है, बट मैंने बहुत सारे लोगों की मैंने चीज़ें सुनी है कि ऐसा होता है। तो लेट्स सी, ट्राई करने वैसे भी कुछ नहीं जाता और ये सब चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो लेट्स डू इट। अभी लगभग क्लास स्टार्ट ही हो गई है हमारे, कितने टाइम हो गया, इट्स 6:52, लगभग 7 बजे शुरू होगी। आज की वर्कशॉप है और कल की वर्कशॉप है, देखते हैं क्या होता है। और अगर अच्छा लगा तो मैं इसको गर्भ संस्कार को मतलब मैं कंटिन्यू रखूँगी, मतलब आप नॉर्मल क्लासेस ले सकते हो पूरी के पूरी। गर्भ संस्कार की मेरे पास ना वैशाली में भी एक स्टूडियो है जो कि, पर मेरे पास से बहुत दूर है, तो मुझे बस इसी चीज़ का डर लगा कि अगर मैं जा सकूँ तो वहाँ चली जाऊँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है इसके बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में। आप लोगों से किसी ने भी किया है तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या सीरियसली मतलब रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इवन मैंने सुना है कि फीमेल मतलब जो माँ होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स सी, अभी मैं 2 दिन के पहले वर्कशॉप लेती हूँ और आज की वर्कशॉप में देखते हैं कि जो भी होता है मैं आपको थोड़ा सा ओवरली बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी क्या नहीं सीखा, ठीक है। लेट्स डू इट, आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। म्यूज़िक जो स्टार्टिंग का है ना वही बहुत सूदिंग है। अभी मैंने लास्ट टाइम जो मैंने सातिक वाला किया था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी फ़िलहाल पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए अभी वो नहीं करा रहे हैं, तो बोल रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ आएगा तो तब मैं होपफुली मैं उसे कर पाऊँगी। तो देखते हैं जैसे भी होगा, अभी फ़िलहाल मैं इसको लेती हूँ और उसके बाद इसका रिजल्ट बता दूँ। लगभग 1 घंटे की क्लास है तो लेट्स सी, 1.5 घंटे की क्लास है तो लेट्स सी कैसा सब कुछ होता है। Having little more doubts, confusion and want to learn about Garbh Sanskar will definitely give you the best possible learning. Start making notes of it. What is it we're going to cover in this workshop? For the first few minutes, next few minutes, Sanskar or whatever today we are going to discuss, these methodologies are shaping babies from the womb. There are so many books which are... अभी just मुझे ना ये 2 parcel receive हुए हैं जो कि Blinkit से हैं और ये मेरी दोस्त ने कहा है, क्योंकि जब मैंने उसे बताया था तो मुझे लगा कि मतलब उसने मेरा एड्रेस मांगा मेरा, तो मुझे लगा शायद मुझसे मिलने के लिए आएगी। मुझे कॉल कर रही थी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे उसके कॉल आए और फिर बस जो ये ऑर्डर किया था ना इनके भी कॉल आ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे लगा शायद वो आई है, और ये मैं बात कर रही हूँ शिबा की, मुंबई में रहती है, मेरी फ्रेंड है, मैं आकाश और वो, हम लोग सब तीनों एक साथ ही थे IFTI में जब हम डांस वांस में थे, तो वो एक्टिंग लाइन में है और मैं और आकाश डांस लाइन में थे, तो तब से मैं तो जानती हूँ। और उसने ये पता नहीं क्या क्या भिजवा दिया है, तो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ वही सब चीज़ें, और बहुत अच्छा लगा मुझे। पर बता कि इतनी चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा था कि वो मुझसे मिलने के लिए आती, बट उसने बहुत प्यार से सब चीज़ें भिजवाई है, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। हमारे बच्चे के लिए सबसे पहला गिफ्ट आया है उसके साइड से और मेरे लिए भी ऑफकोर्स, तो लेट मी शो यू कि क्या क्या उसने भिजवाया। एंड थैंक यू सो मच शिवा इन सब चीज़ों के लिए, मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था सब चीज़ें, और तो मिलने के लिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत जल्दी से मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल बस मैं दिखा देती हूँ और लोगों को कि तुमने मेरे लिए क्या क्या भिजवाया है। मैं तो कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान है, ओके तो ये कुछ डेली चॉकलेट्स हैं क्योंकि उसे पता है मैं डेली मुझे बहुत पसंद है, ये कुछ चॉकलेट है, ये कोई अलग चॉकलेट है, और ओके ये थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, और ये भी चॉकलेट टाइप है, और ये जैम्स हो गए, तो ये सब चीज़ें उसने खाने के लिए मेरे लिए ऑर्डर की हैं। और उसके अलावा इसमें आया है, मतलब ये 2 बार में आया ऑर्डर, एंड दिस इज यूनिकॉर्न, बहुत ही प्यारा है, और ये सुनिए कुछ छोटा हो अच्छा खासा बड़ा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत स्वीट लग रहा है ये सही में। इसे बेकार मैं पैक करके बिल्कुल सेफ तक रखने वाली हूँ, जब हमारा बच्चा जाएगा तो उसको तब हम इसे देंगे खेलने के लिए। और उसके अलावा एक और है जो कि है रैबिट, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत सुंदर है। थैंक यू शिवा यार सीरियसली,
बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी मुझे दोनों को पैक करके ऐसे कैसे रखना है जिससे कि सेफ रहें, जब हमारा बच्चा हो जाएगा उस तरह उसके बाद उन्हें हम उसे खेलने के लिए देंगे ये सब चीज़ें। गर्भ मीन्स वूम एंड संस्कार मीन्स वैल्यूज और वर्चूज और क्वालिटीज, राइट? सो व्हाट वी डिफाइन गर्भ संस्कार इज व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर एक्शंस यू डू इन प्रेगनेंसी दैट कैन अपलिफ्ट द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग ऑफ नॉट जस्ट योर बेबी बट बोथ बेबी एंड द मदर। ओके, व्हाटएवर एक्शन consciously bonding and communicating with your baby in the womb, these three combined are going to be called garbh sanskar, practicing these three. Okay, आज है संडे, संडे को आज मतलब फंडे, और आज फैन ऑफ कर दो इन सेकंड। सो अभी मैं जस्ट बाहर से आया हूँ और मैं लेके आया हूँ प्रिया के लिए एग, दूध और दही। दही इसलिए क्योंकि बेचारी का बीच बीच में मन कर जाता है रायता पीने का, जिससे कि मैं रायता बना दूँ। और ब्रेड प्रिया को मैं वाइट एग की ऑमलेट बना के दे रहा हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग हो रहा है, मैडम जी जग गई है, तो बस अभी पहले मैं ये करता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रिया को खाना दे देंगे, ये दे देंगे, फिर प्रिया का नारियल पानी टंगा हुआ है, प्रिया नारियल पानी पी लेगी। सो अभी सबसे बड़ा टास्क जो है मेरे लिए वो ये है कि जो बीज का योक होता है ना उसको निकालने का, और जो वाइट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से उसको मतलब एक उसमें करने का, जो येलो पार्ट अलग रहे। तो ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, मैं पहले कर लेता था ये चीज़, लेकिन अभी बहुत साल से नहीं किया मैंने। करीबन 2020 में मैं ये चीज़ कर लेता था क्योंकि उस टाइम मैं जिम कर रहा था, तो फिर मेरे को वो हैबिट में आ गया था तोड़ने का, लेकिन अभी मैं भूल गया उसका तरीका क्या होता है। तो बस अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्या हो गया तुमको, एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट? कोई बात नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करके फिर दवाई खा लेना, ठीक है? हालांकि प्रिया की एक दवाई भी है, डॉक्टर ने हमको दी है, तो मैं शायद तुमको काला दिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ उसमें। तो प्रिया को डॉक्टर ने एक दवाई भी दी है जिससे नोजिया फील होता है ना, प्रिया को वॉमिटिंग नहीं हो रही लेकिन नोजिया जैसा फील हो रहा है, नोजिया फील हो रहा है, नोजिया जैसा हाँ नोजिया हो रहा है, समझ जाओ। मैं मतलब मैं ये मेरी वर्ड्स पे मत जाना, मेरी फीलिंग को समझो आप, भावनाओं को समझो। हाँ फीलिंग भावना है ना, तो बस तो कौन है ये भावना इसको समझवा रहे हो? भावना कौन है ये भावना? हमारे बच्चे की होने वाली मौसी, सॉरी बुआ, बुआ बहन बनाऊंगा, मौसी की बनाऊँ, साली बना के क्या एक मजे लूँ मैं, तो बहन बनाऊंगा। तो बस अब तुम जरा देखो क्या होता है, हल्का सा ऐसे, वही वाह वही वाह वही वाह, आकाश सक्सेस ना तुम्हारी बात अलग है, टिकलने लगा वही वाह वही वाह, आकाश सक्सेस ना तुम्हारी बात अलग है यू। तो ये हो गया भाई हमारा, देखो भाई देखो आप, यू कैन सी दिस, इसी येलो येलो पार्ट बचा है और बाकी सब इसमें, तो दिस इज वेरी इंप्रेसिव कि मैं बहुत, मेरे को थोड़ी सी टेक्निक याद है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं हम, अब हमने इसमें नमक डाल दिया है तो थोड़ी देर फेंकते हैं, और एक सेकंड गाइस मैं गैस ऑन करना तो भूल ही गया, किसे बनाना ऑयल में घी में, घी में बहुत कम डाल। और ये कैसे होता है, कैसे उल्टा करूं? अच्छा अच्छा चीले को वाओ अमेजिंग, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, बेहतरीन भाई वाह, क्या बात है क्या बात है, गोल्ड बनाया है मैंने, तो देखो इतना नाइस। अब ये मैं बनाऊंगा, तुम बैठो आराम से, तो अब मैं ये प्रिया को दे देता हूँ, उसके बाद प्रिया का दूध गर्म कर दूंगा इसको पीने के लिए, इसका दूध चाहिए, ये लो बताना कैसा है, ठीक है ट्राई करके। ये भी तो आई थी यहाँ पे
अभी आई थी और उसको बोली कि तेज चला रहे हो, आवाज ही नहीं आई। बताइए थोड़ा सा दूर उबल जाओ। पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम इस पे से एक मिनट के लिए ऐसे नजर कर दो तुरंत निकल जाता है। इसलिए मैं इस पे नजर हटा नहीं रहा उसमें से, तुम चाहो मारो। और चाहिए केचप? हमारा दूध हो गया तैयार, अब हम जा रहे हैं अंदर। प्रिया को ये दूध दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगा गरम में थोड़ा। हाँ मैं नहीं पी रहा बना। तू नहा ही नहीं हो ना इसलिए ऐसे दिख रहे हो। अरे तुम ये बता, तुम ये वो बता दो पराठे बनाने की रेसिपी, फिर मैं बना दूंगा। कोई बात नहीं, मैं भी तो देखो भाई भाई देखो मैं भी उसी टी शर्ट में हूँ, विश्वास मान ना मैं भी उसी टी शर्ट में हूँ। आज मैं नहाया नहीं हुआ, संडे था तो मैं आराम से रेस्ट किया, तो बस मैं भी उसी टी शर्ट है ना। हाँ तुम बताओ क्या थी वो गोभी आटा मारना है और क्या कहते हैं पनीर घिस के उसमें प्याज काट दो, उसमें नमक धनिया जो भी डालना वो डाल दो। ओके तुम तभी तो मैं सीख भी तो रहा हूँ, जब जब क्या बोलते तो मुझे मेरे घर भी भेज रहे हो, तो क्यों बना रहे हो मेरे? तभी तो देखना है ना मुझको, मैं तुम्हारे पीठ पीछे रह पाता हूँ कि नहीं। फिर तुम आओगी 10-15 दिन बाद, फिर मैं तुम्हें बना बना के तो खिला सकता हूँ। मत रो यार, छोटी छोटी बात पे बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनो। कल क्या सिखा था गर्भ संस्कार में तुमने? देखो कोई बात नहीं, अभी मैं बना दे रहा हूँ, फिर तुम आओगे 10-15 दिन, फिर तुम बना देना, फिर मैं खाऊंगा। ठीक है तो गाइस अभी मैं मन नहीं कर रहा, तो सुनो बीच में भी छुट्टी होती है ना इस हफ्ते में, संडे संडे में जब भी होगा हुआ करेगी मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। ठीक है ओके, फिर जब तुम्हारा मन होगा मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सिंपल आज तो यहाँ पे भी है, पता उतरना पड़ता है तो वहाँ पे ये फायदा है ना। और पे पहले थोड़ा मन भी लग जाएगा थोड़ा सा, मैं स्कूल चला जाता हूँ ना, क्या कैसे बोर से हो जाते हो यहाँ पे सोते रहते हो, और वो गलत भी इतना सोना भी, ज्यादा सोना भी, तुम रेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा सोना भी गलत। पहले ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उसकी पढ़ाई कर दियो, दो थप्पड़ मार दियो। मामा आप अच्छे से रहना, तुम अच्छे से खाना पीना, मामा आप तुम वो मिलेगी मम्मी मम्मी लूरू है ना। तो अभी मैं पिज्जा के लिए लाऊंगा खाना, और क्या बस अभी पिज्जा खा रही है संतरे, और अभी मैंने देखो ग्लूकोज दिया था, ग्लूकोज दिया था पानी मिला के, मम्मी ने भिजवाया था तो वो है। तो बस अभी ये नींबू वाला दिया, अच्छा अच्छा है, मम्मी ने नींबू वाला दे दिया। मम्मी को पता नहीं थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मम्मी ने कभी पापा का तो जो है था कि कैसे? पापा आए थे मेरे बर्थडे पे। अच्छा। मैंने पता नहीं, मम्मी को लगता कोई भी जा रहा है ना तो भर के कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ देती रहती है। ये तो है। चलो तो अभी मैं आटा मारता हूँ पहले, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा आटे को सॉफ्ट कैसे मारे। क्या हुआ ऐसे? आटा तो सब पे चपकता है। चलो कोई नहीं गाइस, आज मैंने बहुत अच्छे से रेस्ट किया है, क्योंकि मेरी ना आजकल ऐसे चला था नींद, और सब बताते हैं कि जब बच्चा होता है तो नींद नहीं पूरी हो पाती है, ऐसा कुछ सुनने में आया है मेरे, बहुत सारे ऐसे अफवाहें, तो मुझे पता नहीं वो रियलिटी तब देखो जब होगा। इसलिए मैं अभी जितना सो सकता हूँ जी भर के सो रहा हूँ, और इसको भेज रहा हूँ मैं और जी भर के सोऊंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी स्कूल भी है जिम भी है सब जगह जाना है, तो मैं इसलिए अपना अच्छे से जो रेस्ट है वो अभी कर लेता हूँ, जिससे कि आगे मेरे को फिर वो ना हो मलाल की मैं अच्छे से नहीं सो पाया जी, है ना। और वो तो एक स्वीट सा हमेशा नींद आंख में होनी चाहिए जब बच्चा होता है तो। इन सब लोगों ने क्या करा है, मम्मी ने, मेरी मम्मी ने, आकाश की बोली दोनों मम्मियों ने, पापा ने, आकाश ने, भैया ने, सब ने मिलकर साजिश लड़ रही है, और पापा पापा मम्मी मम्मी ने स्ट्रिक्टली सब लोग मुझे बोला है कि तुम मेरठ में रहो, ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि बेचारी मम्मी थोड़ी वो कमर से परेशान था, वो कमर और पैरों में दर्द रहता उनके। हाँ, फिर वो अकेली पर वो कितनी बार पर मम्मी ने ये बोला था प्रिया से तुम बेटा यहाँ पर रह लो मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगी दर्द। हाँ। है ना, तो मैंने नहीं यार पता है, हर थोड़ी थोड़ी में कुछ ना कुछ खाने पीने का वो सब चीजें होती है, वो बेचारी बहुत वैसे भी करती है परेशान हो जाएंगी। फिर पापा भी बोले कि हाँ ये थोड़ा सा हो जाएगा, कि वो अभी थोड़ा सा उनका भी चल रहा है ना ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी का, तो इसीलिए फिर पापा ने फिर मम्मी ने भी फोन करके बोला आकाश को कि तुम प्रिया को यहाँ छोड़ लो, तुम भी आराम से अपना कर पाओगे, क्योंकि तुम स्कूल चले जाते हो तो फिर थोड़ा सा ये कि हम लोग ध्यान रख लेंगे, हमें 3-4 जने हैं,
एक नहीं बनाएगा दूसरा बना देगा तीसरा बना देगा, ध्यान व्यान रखा जाए। आप पता है जब चार पांच लोग होते हैं तो इंसान का मन भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता है, थोड़ा पेन भी होता है तो डाइवर्ट रहता है, बात आप करते रहते हो हंसी मजाक टाइप की, तो ये है। तो बस अभी मैं फिर अगले थोड़ा खाना था, उसके बाद तो फिर इसका तो मन लग जाए करेगा। पर अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी छुट्टी है तो मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुरंत कैब बुक करके यहीं आ जाऊंगा, फिर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। मर गया ऐसा लगता है, आता है कोई। गाइस कभी भी तुम घर में काम कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप उस काम को एंजॉय करो, जितना आप एंजॉय करोगे आपको उस काम करने में उतना ही मजा आएगा। मतलब एंजॉय उस काम में मत करो, नहीं अपने आप में एंजॉय करो तो आपको वो काम करने में मजा आएगा, जो आपके पास खड़ा है या बैठा है उसको भी मजा आएगा। ऐसे बोर होके नहीं करना होता कभी भी। मैं देखो कितना बढ़िया आटा मारा है मैंने, मतलब ये आपकी लाइफ में यार थर्ड या फोर्थ टाइम मारा होगा, बट ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा साफ हो जाए, क्योंकि मैंने हमेशा मम्मी को देखा है बनाते हुए कि वो जब ज्यादा मैं डालना, लेकिन हाँ मालूम है वो जब भी आटा मारती है तो उनकी जो परात होती है, मतलब जो जिस जगह वो आटा मारती है वो इतनी नीट एंड क्लीन होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो मुझे वो चीज जैसे मम्मी ऐसे करती है, पहले ऐसे नहीं करती, मतलब मेरे को पता नहीं है, भूल गया हूँ, मैं बचपन में दिखा था मम्मी को। तो मतलब कि साफ हो रहती है उनकी। हाँ भाई मतलब ऐसे ऐसे करती जाएंगी, ऐसे करती जाएंगी, करते रहो करते रहो करते रहो, इसको ऐसे घुमाती है, फिर ऐसे लचीला हो जाता है, ऐसे करती जाएंगी, ऐसे 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 उसको ऐसे घुमाती है, फिर ऐसे 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 करती जाएंगी, और ये थोड़ी थोड़ी देर में आपकी जो परात है वो बहुत साफ होने लगती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो गंदगी है, मतलब गंदगी नहीं, जो ये आटा साइडों में चुपका हुआ है वो छूट जाएगा, इसमें ही लगता जाता है। गुड गुड गुड, तो दिस इज नाइस, और ये आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट मड़ा है मुझसे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इतना सॉफ्ट आटा मार दिया। यहाँ पे ये पनीर को ऐसे कर दिया है छोटा छोटा, और यहाँ पे इसको उबालना है, तो गैस ऑन कर दे रहा हूँ पहले, इसके बाद इसको उबाल के, ये शायद पालक है आई थिंक, अब इसको ढकना है क्या है, ढक दिया है मैंने आटा, इधर मार दिया है, अब आटा ढक दो, ढक दो क्यों, बनाना नहीं है अभी, पालक हो जाए प्याज को, ठीक है। यहाँ ये सारी चीज तैयार कर दिया आकाश ने, अब यहाँ पालक उबाल के कट किया जा रहा है, और मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती छीन छीन के सब चीजें की जा रही है। क्या मजा आ रहा है तुमको यार, एक बात बताओ, अभी मैं कर दे रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ है ना, उसके बाद तुमने हमेशा मेरे लिए करता है, कभी कभी मैं कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, तो हमेशा करते हो, आज मेरी छुट्टी है तो आज मैं कर दे रहा हूँ, तुम करो मैं करो, बात करके दिखाएंगे दोनों ही, हो गया बात, तुम डाल दो, तुम नीचे गिरा दोगे, इस बात हो गया, इसमें नमक मिर्च डाल के हाँ कर लो, इसमें प्रोटीन भी हो गया, थोड़ा सा ये भी हो गया। गाइस यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे को बनाने के लिए, लेकिन ये बनाने नहीं दे रही है, बोल रही हूँ जल्दी बना दूंगी इस वजह से, तो हाफ वर्क में मैं रह गया, हाफ आधा काम करते करते मैं रह गया हूँ, क्या करूँ भाई, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने है इसके, इसमें भी एक बार मैं देख लूँ कैसे कैसे बनाता है, इसको ऐसे दिया यहाँ पर रखा, ठीक है, वैसे इसको फूल बनाना है इसका, अच्छा समझ गया, बहुत आसान है, ठीक है समझ गया, आराम से अब क्या से करना है, तो मस्त दो पराठा पेल के लड़की हमारी बैठ गई है यहाँ पे, और हमने भी मस्त चिली पटेटो पेल के हम खड़े हो गए यहाँ पे, और अभी मैं थोड़ा सा टहल रहा हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा खा लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हालांकि मैं आजकल इतना खाता नहीं हूँ, और मैं शायद है चल रही कर लो, अरे चल दो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घूमना है फिर मैं तो नहा के सोऊंगा, तो बस अभी यही है, और क्या क्या हुआ,